चलो ठीक है भाई, चलो चलो चलो। प्रीत कुमार देखो भाई, पतरातू वैली कभी भी ना धुंध में मत आना, कुछ दिख ही नहीं रहा है यार। देखो ओ भाई साहब, सॉलिड विजन। ओ हो, ये लेफ्ट साइड गोला रोड है मैन, और गाड़ी भी उधर ही जा रही है कि चल भाई उधर ही चलना है, और सच प्रॉपर हमें उधर ही जाना है। धुंध देखो, धुंध इतना हार्ड हो रखा है कि भाई कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं बिहार में तो लेडीज एंड जेंटलमैन गाइस, और देखो यहाँ पे गेट के सामने ही सब खड़े हैं। क्या कर रहा है जी तुम लोग यहाँ पे? मैकेनिक बनने का तैयारी कर रही हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चल तो अब मैकेनिकल बनाओगे, बैठ। चल चल जंगन वाल तेरे ले जाऊँ। चल तो गाइज, यहाँ पे इन लोग बोल रहे थे कि ब्लॉग जल्दी स्टार्ट कीजिए, यहीं से स्टार्ट कीजिए। वैसे हम सोचे थे कि रोड पे स्टार्ट करेंगे, बट इन्होंने गेट के पास ही, बस गेट से मैं गाड़ी ऐसे ऐसे निकाल ही रहा हूँ, और ये लोग देखो, इन लोग अभी से ही घर पे आ गए हैं। ए भाई, घर वा रिवील मत कर देना मेरा, ठीक ना, ना तो दिक्कत हो जाए। चलो चलो, तुम लोग बहुत देर से इन लोग लेकिन खड़ा है, अभी आ रहा है तू? क्या गुंडा बनेगा रे तू? ठंडा है ज्यादा, तुम लोग बाहर मत रहो, पर हमको तो बाहर जाना पड़ेगा। कहाँ जा रहे? कह रहे अभी डाल के पीछे बजा देंगे फिर। चल चलो गाइस, ठीक है, पढ़ता हूँ मैं। जनवरी आधा खत्म हो गया है, पूरा खत्म होने को है, बट फिर भी ठंड जो है अपना कोहराम मचाने में पीछे घट ही नहीं रहा भाई, बस फट ही जा रहा है और सबकी फाड़ ही जा रहा है। बहुत ही नेक्स्ट लेवल मौसम हो रखा है। अरे यार, आगे जाना है पीछे जाना है, जाओ ना भैया राइट ना। तो अभी फिलहाल पतरातू के राइड के लिए निकल चुके हैं हम, और ये राइड मेरा सिंगल राइड होने वाला है। दिस इज माय सोलो राइड टू पतरातू। होप यू एंजॉय गाइस। और पिछले वाले वीडियोस में वो जो डॉगी वाला रिस्पांस था, वो काफी, मैं उसमें बहुत हंसा हूँ यार, मैं खुद बहुत हंसा उसमें। आप लोग कितना हंसे मुझे नहीं पता, बट मैंने एडिट कर करके भाई इतना हंसा हूँ, वो भाई अलग लेवल का वीडियो था। होप सबको मजा आया हो, मुझे तो बहुत मजा आया। आज आपको इस मौसम में आपको मैं दिखाऊंगा पतरातू। मेरा भी ऐसा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा पतरातू डैम का, कि ऐसे मौसम में पतरातू डैम गया हूँ, वो भी जनवरी में। ये व्लॉग भी बहुत ही शानदार होगा। होप महादेव भाई, असली स्ट्रगलर ये लोग है भाई। इतने ठंड में भी ऑन रोड काम कर रहे हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा ठंड है। किन्हीं लोगों का तो ऐसा ही काम है कि वो लोग रात में भी काम करते हैं, उन लोगों को तो भाई पसीने भी आते होंगे ना। हम लोगों के यहाँ बाइक में बैठे रहोगे पसीने नहीं आते, हम लोग बस चले जा रहे, ठंड लगी जा रही है। पूरा जैकेट, फिर उसके अंदर स्वेट शर्ट, थर्मल शर्ट, इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन लेने के बाद फिर हम लोग बचते हैं। और जल्दी राइडिंग गियर्स भी होंगे हमारे पास, जिससे हम अपने आप को और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकें। ऐसी सपोर्ट बनाए रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, शेयर करो वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब करो मैन। आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट लाने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। अब मेरा भी इतना हक है कि मैं आपको बोल सकूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो आप शेयर करो भाई। मज़ेदार भाई, धुंधला धुंधला। अभी फिलहाल पतरातू से हम रांची भी जाएंगे, होप एवरीथिंग इज सो फाइन, देन हम रांची भी जाएंगे। और ठंड भी वैसा ही बूम बूम हो रहा है भाई, ठंड पूरा लग रहा है। कैमरा के अंदर, सॉरी हेलमेट के अंदर बोलते बोलते ना भाई, ये ठंड जो है ना, ठंड की भंड कर देते हैं हम लोग। ब्लॉगर लाइफ ब्रो, मोटो ब्लॉगर लाइफ। ये सफर चलता जाएगा गाइस, चलता जाएगा, रुकना नहीं है मैन। फिलहाल तो उतना ठंड नहीं लग रहा है, ऊपर से नीचे मैं फुल्ली टाइट पैक हूँ। ये क्या कर रहा भाई, थ्रॉटल दे रहा है क्या? इनविजिबल थ्रॉटल था भाई, वो AI से जनरेटेड भाई। ये जानवर बहुत ज़्यादा रिस्की है भाई, NH-33 पे हूँ मैं अभी, और ये भाई गौ माता हमारी, काफ़ी रिस्की सीन हो जाता है मैन, अगर आदमी ध्यान से ना चले, कंट्रोल ना रहे। सेफली राइड कीजिए गाइस, राइडिंग गियर्स ले लो, जैकेट वैकेट जूता सब कुछ टाइट करके रखो, लाइनअप फुल्ली टाइट रखो, एंड देन भाई साहब फिर देखो, फिर जो मज़ा है ना भाई, वो मज़ा घर के रजाइयों में नहीं है मैन। घर के रजाइयों में आपको मज़ा नहीं मिलेगा, जो मज़ा हम लोग राइडिंग गियर पहन के राइड करते हैं ना यार, ये धुंध में, ये मज़ा घर के रजाइयों में नहीं है। विश्वास करो, बिलीव करो ना करो, बट इसका फील वही फील कर पाएगा जो राइड करेगा भाई। राइड सेफ, बी सेफ, वक्त गुजर जाएगा भाई,
सपने पूरे कर लो। अब जरूरी नहीं कि सपना पैसों से ही पूरा होता है, जुगाड़ से भी पूरा हो जाता है, करने वाले का कुछ ना कुछ हो ही जाता है भाई। वाओ वाओ, फ्यूल अप फ्यूल अप मैन, फ्यूल अप फ्यूल अप। तो गाइस फ्यूल अप का टाइम हो गया है, हर हर महादेव। एंड हम फ्यूल अप कराएंगे 480 का, क्योंकि लाइन अप ज़्यादा लंबा होने वाला है। 480 एकदम नॉर्मल स्पीड में दीजिएगा, लीजिए। तो गाइस लेट्स चेक अप व्हाट द स्टेटस ऑफ आवर फ्यूल टैंक। ओ माय गॉड, यही होता है R15 में, जब भी आप 400-500 का लोगे ये फुल दिखाएगा, बट एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं। चलो यहाँ से पहले निकल जाते हैं, सामने वाले को डिस्टर्ब ना करो, साइड में जाके जो बातें करने हैं करो। फिलहाल हमें पहनना है ग्लव्स, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा हाथों में ठंड का एहसास हो रहा है। दैट्स वाई वी वांट टू वेयर आवर ग्लव्स। यस दिस इज़ नॉर्मल ग्लव्स, बट फिलहाल जो है जुगाड़ है भाई, क्या करोगे यार, पेट्रोल ही इतना फूक जाता है कि कहना नहीं है। इसीलिए देखो भाई, दो कुट्टी कट गया ना, देखो यहाँ पे दो डाउन हो गया, जिसे हम लोग खुट्टी भी कह सकते हैं। एंड ये गंदा हो गया यार पूरा, यार क्या करें यार, शादी ब्याह भी नहीं करने का मन करता है ना, वरना धो देती। वैसे शादी जो जो गलत फहमी में है कि शादी के बाद बीवियाँ उनके कपड़े नहीं धोती, ऐसा गलत फहमी मत पालना भाई। कपड़े तो धोती हैं धोती, बट साथ में अपने हस्बैंड को भी धो देती है। फिर फेल हो जाए, उसकी माँ का साकी नाका। फिर देखो भाई डॉगी, पता नहीं क्या ले जा रहा था। अरे कितना मज़ा आ रहा है मैन, क्या धुंधला सा एकदम। मैं तो सोचता ना फट जाता होगा यार राइडर लोग का ऐसे धुंध में चलाने में, बट सच में फट जाता है। तो गाइस भाई कुछ दिख नहीं रहा मैन, काफी दूर तो अभी तक ऐसा रीजन नहीं मिल पा रहा। हॉर्नर मारा तो राइट ले रहा था, चचा चला रहे हैं कि कोई बुतरू चला रहा है, माइनर चचा चला रहे थे, माइनर चचा। लाइट भी जल रहा है, वाह ओ आई साहब, आई साहब इधर अलग सीन हो रखा है भाई। ये पुल के पास तो कुछ सामने, वो पहाड़ तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे भाई अलग ही दुनिया है, लग रहा है चूल्हा जला हुआ है कहीं पे, पूरा धुआं धुआं हो गया है, ऐसा सीन हो रहा है भाई। लेफ्ट भी और राइट भी, बताओ यार ये कैसा चूल्हा है मैन, ये खुद का भाई चूल्हे से तो गर्मी पैदा होती है और फट रही है भाई ठंड से हमारी, कैसा चूल्हा यार। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ, कलम से पानी आ गया, गमछा भी खुल गया मेरा, भाई साहब ये लेफ्ट साइड गोला रोड है मैन, और गाड़ी भी उधर ही जा रही है कि चल भाई उधर ही चलना है, और सच प्रॉपर हमें उधर ही जाना है भाई। बट धुंध देखो यार, धुंध देखो, धुंध इतना हार्ड हो रखा है कि भाई कुछ नहीं समझ आ रहा मैन। बिहार में आई थिंक ऐसा ही होता है, काफ़ी टाइम तक दिन भर ऐसे ही रहता है, एंड लोग घर पे ही पैक रह जाते हैं, काम करने वाले और तो भाई उन लोगों को तो जाना ही पड़ता है काम वाले लोगों को। बट यार यहाँ का सीन यार अनबिलीवेबल हो रखा है मैन, ऐसे में पतरातू का ठंडा, ओ माय गॉड, चैलेंजिंग होने वाला है भाई ये ब्लॉग। इस धुंध में हम पतरातू जाएंगे मैन, पतरातू। चलो इसी बात पे फटाफट सब्सक्राइब बटन को एकदम टनटना दो गाइस। तो गाइस अभी फ़िलहाल हम हैं रामगढ़ मार्केट में, भैया भैया कर रहे, थोड़ा रुक जाते हैं गाइस। हाँ बाबू यूट्यूब निकाल निकाल, फोन निकालोगे तब ना बताएंगे। फोन तो लाए नहीं, नाम बताइए ना। पेन है, हाँ है। अब आ गया, रोड पे नहीं आ गया। चल आ गया। तो भाइयों ये क्रेज है यूट्यूब का, ये भी रास्ता सही नहीं लग रहा मुझे, यहाँ बड़ा कंजेस्टेड रास्ता है। वायरल योगेश, ठीक है, ऑटोग्राफ नहीं दे रहे हैं, वो मेरा चैनल है, ठीक है। चलो ठीक है, अपना नाम बताओ। चलो ठीक है भाई, चलो चलो चलो, प्रीत कुमार, एकदम एकदम एकदम। चलो बढ़िया से रहो, ठंडा। तो गाइस ये माहौल है अभी रामगढ़ का, बच्चे हैं मन के सच्चे हैं। तो गाइस बच्चों से मिलके काफ़ी बेहतर लगा, होप ये बच्चे ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोग देख रहे हो तो कमेंट डाउन कर देना बच्चों,
जो जो आप लोगों का नाम है वो कमेंट डाउन कर दो जिन्होंने मुझसे मिला था। दिस इज देन सुभाष चौक एंड यहाँ से हम पतरातू वैली फास्टली पहुँच पाएंगे, तो फास्टली चलते हैं फिर क्योंकि लेट भी हो रहा है। मैं चलो भाई पतरातू चलो, 28 किलोमीटर फ्रॉम दिस पतरातू। ओ भाई साहब द सिख रेजिमेंटल सेंटर, ओके आर्मी पब्लिक स्कूल, ट्रूथ इज गॉड नेचरिंग आवर फ्यूचर। और वो बच्चे वहाँ पे राइडर राइडर चिल्ला रहे हैं। क्योंकि निकल चुके हैं पतरातू वैली, अरे जम कर रहा था, बहुत गंदा है यार इसका, ये पूरा उठा के नीचे से पटक देता ये वाला है, देखो ऐसे स्पीड में रहोगे ना ढप 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 ऐसे ऐसे, वो भी ऐसे ढप ढप नहीं होगा, ढप से होगा ऐसे ढप, लगे उठा के कोई पटक रहा है तुमको। जब तक स्पीड नहीं कम करोगे इरिटेशन जा रही रहेगा भाई। हेलो गाइस, अच्छा अच्छा पतरातू मतलब पतरातू पहुंच गए हैं एंड हमारा वाइट हॉर्स हमारे सामने मतलब हमारे पीछे क्रॉस कर चुका है एंड नाउ अब हम वैली की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले तो डैम आता है, डैम में थोड़ा चिल करेंगे एंड उसके बाद पतरातू वैली घुसेंगे गाइस। वैली का तो हाल फिलहाल है गाइस, रीज़न ही क्लियर नहीं है। मानना पड़ेगा इतने ज़्यादा ठंड में कोहरे में भी लोग पतरातू वैली आ रहे हैं और मज़े कर रहे हैं गाइस। ओ भाई साहब बस बुक हो गया है, यहाँ पे पिकनिक चल रही है गाइस। ओम छो भाई ओम छो, आई थिंक यहाँ से लेफ्ट लेके नीचे उतर सकते हैं क्या? हाँ उतर सकते हैं। ओह भाई साहब मेला लगा हुआ है यार यहाँ पे, अपने गाड़ी यहाँ पे लगाते हैं यार। मैं पहले घुस गया बाद में घुस गया पता नहीं चला। एंड पतरातू वैली स्टार्ट है गाइस, देखते हैं वीडियो स्टार्ट है कि नहीं। हाँ वीडियो स्टार्ट। ओ भाई ये है सीन, सीन सीन बहुत धुंधला धुंधला हो रहा है गाइस। ओ भाई साहब पूरा शॉर्टेड है भाई भाई ये तो डोली लग रहा है यार, आदिवासी कराने का चक्कर में कहा उधर पानी उनी में ले जाके, तू समझा? बड़ा खतरनाक है गाइस, देख लो भाई ये वाला सीन। ओ भाई साहब सॉलिड विजन, ओहो हो हो हो, ए देखो डोली, यहाँ से डोली निकलती है गाइस, देख लो वहाँ से एक डोली बुक होगा, यहाँ डोली निकलेगा एंड वहाँ लड़की लड़का भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारा सीन सॉर्टेड है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? वाओ क्या सॉलिड दृश्य, डोली वाला सिस्टम बढ़िया निकल गया है नहीं, पानी हम उधर ले जाके शादी उदी भी करा देता है का? ना है वैसा नहीं, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ऐसा सजा दिया एकदम डोली जैसा सजा दिया है। और भाई इधर सिनेमैटिक चल रहा है गाइस। ओह चलो झारखंड को बचाए हुए पतरातू वैली, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन झारखंड आवर पतरातू वैली। और ये डोली वाला सिस्टम तो बहुत हार्ड है भाई। चलो गाइस ये था यहाँ का डैम का सीन जो कि धुंधला धुंधला है फिर भी काफी मजेदार है। और भाई भाई लोग को मानना पड़ेगा यार, दो दो बसेज आए हुए हैं और पिकनिक पे पिकनिक चल रही है, मुर्गे पे मुर्गे कटा रहे हैं, खस्सी पे खस्सी पटका रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है पर फिर भी बसेज रुक नहीं रही है भाई। अब मेला भी लगा दिया इन लोग पतरातू में, अब और क्या चाहिए। चलो फिलहाल वैली चलते हैं। अरे भाई साहब इधर डक्चा डिक्ची साहब एकदम आर्ड सीन हो भाई, झारखंडी पिकनिक टाइप, आओ खाओ पियो और इधर कचरा फैलाओ निकल लो, सॉर्टेड। बहुत सही बहुत सही, मचाते हैं वैली तरफ क्योंकि असली मचाएंगे तो उधर ही होता है भाई। पतरातू मैं आ रहा हूँ। अरे भाई साहब क्या लीन जा रहा है, फुल लीन है भाई, यहाँ पे राइडर लोग फुल लीन में रहते हैं ऐसे ऐसे, मेरे को उतना लीन नहीं आता है वैसे। ओ भाई साहब तीन लोड एकदम चाप के जा रहा है भाई लोग। और भाई साहब क्या शॉर्टेड व्यू है, क्या शॉर्टेड व्यू है भाई, ये पतरातू का फर्स्ट शॉर्टेड व्यू देख लो भाई, उधर से एकदम तीखा मोड़ एंड यहाँ पे देखो पतरातू भाई, ऊपर देखो वो वाला, इधर से रांची से आते समय अभी ऊपर ही उधर ही जाना है हम लोगों को, ऐसे घूम घूम के जाना है, ऐसे ऐसे घूम घूम के जाना है ऐसे टॉप पे वहाँ पे, और वहाँ से व्यू वो देखना है। अभी तो फिलहाल विजन जीरो दिख रहा है, जीरो भी नहीं बोल सकते, 2-3 बोल सकते हैं एंड काफ़ी डेंजर मोड है ये पतरातू वैली का, तो यहाँ पे ज़्यादा देर हम लोग नहीं रुक सकते हैं, अभी फिलहाल हम टॉप पे चलते हैं गाइस। छुआ तूने
अरे भाई साहब, उधर का तो विजन ही जीरो है, धुंध बहुत ज्यादा बढ़ गया मैन। ओके मैन ओके। ये भाई पूरा चौंपे के आवे है तुम सभी कोटी और चौंपे के जावा भी हो तुम। इस साल इतना सुती मोड़ कैसे बना दी इन लोग। सुतीस मोड़ है सब, सुतीस मोड़। और यहाँ पे लौंडे लफाटे लोग सेल्फियाज ले जा रही है, लौंडे लोग सेल्फी ले जा रही। ओके फट रहा है भाई, मौसम फट रहा है। ओके लीन, ये हार्डकोर लीन वाला था। ओके बसेस भी लीन करेंगे क्या? ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये हमें लीन कर देंगी। आउट ऑफ क्लीन कर देगी। चलो इधर कहीं बाइक लगाते हैं भाई। जीरो विजन देखो भाई, पतरातू वैली कभी भी ना धुंध में मत आना, कुछ दिख ही नहीं रहा है यार। देखो लोग सामने हैं, बस चाट चौमिन उधर खा रहे हैं। आई लव पतरातू वैली उधर है, बट नीचे का विजन देखो जीरो विजन है भाई। सो गाइस, ये हमारा R15 और आपको पता ही होगा, टाइटल तो देख ही लिए हो कि हम लोग हैं भाई नन विजनरी पतरातू। भाई एक काम करना, कभी पतरातू ना फॉग वाले दिन में नहीं आना, वरना तुम्हारे प्लान का फॉग निकल जाएगा। रोला देखो भाइयों का, देख रहे हो भाइयों का रोला। तो गाइस हम निकलते हैं पतरातू से। डेफिनेटली ये वैली भाई कभी फ्री नहीं रहती है, धुंध पड़े, पत्थर पड़े, पानी पड़े, लोग विजिट करते हैं ब्रो। अभी फिलहाल हम एक बहुत ही अपने पुराने मित्र के पास जा रहे हैं, जो कि बहुत दिनों से हमारे वीडियोस में नहीं दिख रहा है। आज वो हमारे इस वीडियो में दिखेगा और मज़ा आएगा भाई उसके साथ। आज मैं उसी के पास रांची में रुकूंगा और आज रात में हम लोग फुल चिल करेंगे भाई, फुल चिल। तो गाइस, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसरा रांची, हम मैसरा रांची पहुँच चुके हैं गाइस। DIT मैसरा पहुँच चुके हैं हम। बच्चों लोगों का बाइक के बगल में अपने बाइक लगा देते हैं। एंड हम आ गए हैं हॉस्टल नंबर 11। दिस इज द BIT मैसरा कैंपस। तो सौरभ के रूम हम पहुंच चुके हैं एंड अलग सीन हो रहा है यहाँ पे। तो गाइस ये भी रहीसों का रहीस है गाइस, मैक रखा हुआ है, देख रहे हो। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तुम भी ओवर आउट कर दो भाई, मेरा तो दिमाग हैंग हो गया पूरा राइड करके। ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट, फिर मिलते हैं।